हेलो फ्रेंड्स, जागोजोमो न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं शीतल वर्मा। इस वक्त मैं सरवाल में हूं, वार्ड नंबर 18 में, और आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे जो घर है उसके बीचों बीच यहां पर जो पोल है, इलेक्ट्रिक पोल है, वो यहां पर लगा हुआ है और अभी तक PDD द्वारा इसको हटाया नहीं गया हुआ है। यहां पर जो फैमिली रहती है उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, तो आइए उनसे जानते हैं ये कब से लगा हुआ है और अभी तक एक्शन क्यों नहीं हुआ। कितने साल हो गए आपको यहाँ पर रहते हुए? 92 में ये प्लाट मिला था, तो 92 के बाद ये प्लाट ओपन ही था, तो फिर बाद में हमने ये रूम बनाए। तो मतलब कि जब बारिश आती है तो हमें तभी परेशानी होती है, और साथ में किचन हमारी साथ में ही। तब से आपने कंप्लेन नहीं करवाई? कंप्लेन करने का हम हर बार ही सोचते, पर यही है कि अल्ले मल्ले वालों को परेशानी होती है कि इधर लगाएंगे तभी परेशानी, यहाँ लगाएंगे तभी परेशानी। नहीं, लगाने वाली बात तो उनके डिपार्टमेंट वालों की है ना, उन्होंने देखना है कहाँ पर लगवाना है, बट आपने कंप्लेन करवाई? कंप्लेन करवाई है। अब ये अंकुश जो है भैया हैं, उनके थ्रू ही हमने एप्लीकेशन दी है उनको। अंकुश जी जो प्रधान है? जी, उनकी वजह से ही हमने उन्हीं को दी है एप्लीकेशन। बस हमें दिक्कत ये है कि बच्चे हैं हमारे छोटे छोटे, आस पड़ोस में भी सारे बच्चे छोटे ही हैं, उसी की वजह से परेशानी। और खुद भी हम जब बारिश होती है गेट हमारा खुला ही रहता है, क्योंकि हमें जाने में आने में दिक्कत होती है बहुत। आप इनके नेबर्स हैं? जी, बहुत बार करंट हुई, इनके पानी में भी हो जाती है, कभी हाथ नहीं लगा सकते, बर्तन धोते धोते कितनी बार पड़ी है इनको, बहुत बार पड़ी है, बड़े परेशान। अब ये कह रहे हैं कि इधर से निकल जाए। ये है कि बस बच्चों की है कि खुद तो चलो बंदा हो भी जाए तो, लेकिन छोटे छोटे बच्चे कई बार गेट खोलते हैं, कई बार ये आस पड़ोस में बॉल जाती है बच्चों की, तो बच्चे गेट से चढ़ के अंदर जाते हैं, कई बार गेट बंद होता है। मैं परसों डांट रही थी बच्चों को, मैंने कहा ऐसे नहीं जाया करो, बारिश का मौसम है तो करंट शरण लग जाएगी और मुसीबत आ जाएगी। बस मैडम यही है कि इसका कुछ कर, इनका तो बिल्कुल ही गेट, इनका तो पोल पहले लोहे का था, इन्होंने भी एप्लीकेशन दे दे के ये बाहर निकाला है, देखो बिल्कुल साथ में तार जुड़ी हुई है जी। तो उसकी वजह से एक पोल तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर है इन्हीं के घर के बीच में। दूसरा पोल आपको दिखाना चाहूंगी, वो भी है बाहर है, मगर फिर भी दीवार के साथ ऑलमोस्ट टच है, करंट वहाँ पर भी आ सकती है। जैसे कि आपने हाल ही में देखा कृष्णा कॉलोनी में भी एक बहुत बड़ी ट्रेजडी जो थी वो बिजली विभाग द्वारा की हुई थी, उन्होंने भी पोल में करंट थी, काफ़ी बार कंप्लेन करने के बाद वहाँ पर चेकिंग नहीं हुई और वहाँ पर बहुत बड़ा हादसा हो गया, 3 घोड़े और एक जो वहाँ का लोकल काम करने वाला कर्मचारी था वो उस बिजली की चपेट में आ गया और उन 4 लोगों की जो है वो डेथ हो गई, उनकी 3 घोड़े और 1 कर्मचारी। तो आप क्या बिजली विभाग वाले चाहते हैं कि इनके घर में भी कोई ट्रेजडी होगी तब वो एक्शन लेंगे? इस मसले को लेकर जब हमारे संवाददाता विकास खजूरिया जी ने सोशल वर्कर रितिज खजूरिया जी से बात की तो उनका क्या कहना है, आइए सुनते हैं। हेलो, जय श्री राम। अंकुश जी बात कर रहे हैं? हाँ जी, अंकुश जी बोलो। अंकुश जी, विकास बात कर रहा हूँ जागोजमो न्यूज से। हाँ जी। अभी हम वार्ड नंबर 18 में हैं। आपके नॉलेज में होगा एक यहाँ का घर है जिसके जो आपसे बात हुई है, इनकी बिजली का खंभा इनके घर के अंदर है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ये कह रहे हैं एप्लीकेशन आपके थ्रू मूव करवाई थी इन्होंने, क्या हुआ उस एप्लीकेशन का, कुछ बात हुई आपकी? वो एक्चुअली सर बात ये हुई थी कि कल मैं गया था इनकी एप्लीकेशन लेके। अच्छा। बेसिकली मैं वहाँ का प्रधान भी हूँ, तो उनके घर के अंदर ना एक ये पोल है, बिजली वाला पोल है। ठीक। तो इनके घर में थोड़ा कोई जा नहीं सकता बाहर, तो इन्होंने मुझे अप्रोच किया था, तो मैं गया था कल। वहाँ पे थे यही साहब। ठीक है। तो रमन राठौर जी, उनसे मैंने एप्लीकेशन मार्क करवाई थी और उन्होंने इमीडिएटली मार्क कर दी थी एप्लीकेशन। ठीक। मार्क की उन्होंने जय के नाम के, वो कुछ दत्त साहब है, तजिंदर दत्ता। हाँ जी, हाँ जी, तजिंदर दत्ता जी। हाँ जी, हाँ जी। तो उनको मैं कल गया था फिर इनके ऑफिस में रिहाड़ी में। ठीक। तो रिहाड़ी में फिर कोई इन्होंने किसी मीटर रीडर को भेजा था वहाँ पे, फारूक जी थे वही वहाँ पे। अच्छा। उन्होंने मौका देखा था, मगर मौका मुझे लगता है कि मीटर रीडर को तो नहीं देखना चाहिए था। मीटर रीडर का तो ये काम नहीं, मीटर रीडर तो सिर्फ मीटर देखेगा ना। हाँ, वो तो मीटर देखेगा ना। हाँ। तो उनको देखना चाहिए था पूरा, जी साहब को देखना चाहिए था। फिर मैंने आज दोपहर को बात की थी उनसे, आज भाई 11:30-11:12 बजे। ठीक। क्या कहना था भाई साहब, आप गए थे वहाँ पे? तो मैंने उनको बोला था कि मैं प्रेसिडेंट बोल रहा हूँ। हाँ। तो आप वहाँ पे गए थे कि नहीं गए थे? कह रहे नहीं, हम इतनी जल्दी नहीं जा सकते। हाँ। तो कल छुट्टी है शायद। अच्छा। तो हाँ। उसकी वजह से हम नहीं जा पाएंगे। तो मैंने कहा आपने जगह मौके पे जगह देखी थी आपने जाके वहाँ पे? हाँ। कह रहे थे उसको मैंने कहा टाइम कितना लगेगा? कह रहे थे 6-7 दिन लग जाएंगे। तो 6-7 दिन में यहाँ कुछ ऐसी ट्रेजेडी हो जाए, कोई अनसर्टेनिटी हो जाए, तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? सर वही मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना सर, आपने अब आपके चैनल के माध्यम से अगर ये बात अगर ओपन हुई है तो कम से कम अभी देखिए कृष्ण कॉलोनी में भी अभी 3 घोड़े और 1 आदमी मर गया। बिल्कुल। हाँ जी। तो
उत्तराखंड में भी सेम कंडीशन ऐसी हुई थी अभी। हाँ जी, कि एक लाइट की वजह से काफी लोग मर गए वहाँ पे। तो देखिए, हमारे जम्मू का प्रशासन जो जेई साहब है, इनको मुझे लग रहा है कि इनके लिए इंसान की वैल्यू, मुझे लग नहीं रहा कि इनके लिए इंसान की कोई वैल्यू है। और इनके घर में छोटे छोटे बच्चे भी हैं, बिल्कुल हाँ, वो हम देखा अभी, हम देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे हैं। तो मुझे लग रहा है इसके लिए इमीडिएटली इनको एक्शन करना चाहिए था, मगर इन्होंने एक्शन करने के बजाय इसको उल्टा वो कर दिया इन्होंने। अभी वो कह रहे हैं क्या ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। तो देखिए, ये तो बड़ी शर्मनाक वाकया है कि आज की डेट में इंसान की जिंदगी की कोई वैल्यू नहीं। मेरी भी बात लग रहा है कि हाँ, मैं मंडे को, अगर वो कह रहा था कि मौके पे मैं जाऊंगा, पर मंडे के बीच में संडे है, संडे के बीच में सैटरडे है, तो इनको मुझे लग रहा है कि इसका काम कल ही कर देना चाहिए था। तो ये बहुत बड़ा काम तो है नहीं है। और वहाँ पे जो ए साहब थे, जो तेजिंदर जी थे, तेजिंदर जी नहीं, वो जो राठौर साहब, उन्होंने बोला था कि इसको इमीडिएटली होना चाहिए, क्योंकि जितनी मैंने उनकी स्पीड देखी ना, उससे मुझे लग रहा था कि वो काफी जल्दी ये काम करवा देंगे, मगर आगे जो नीचे नेटवर्क है वो मुझे लग रहा है कि वो उसको कमजोर है, जूं तक नहीं रहेंगी उनके पास। हाँ, ठीक है। तो मैं ठीक। तो अभी मंडे को इन्होंने बोला, वो आश्वासन दिया हुआ है, तो देखते हैं मंडे को क्या करते हैं। अगर इन बिटवीन कोई कैजुअलिटी हो जाती है तो मुझे ये लगता है कि इसका जिम्मेवार कौन होगा, इसका जिम्मेवार कौन होगा। ये तो मुझे लग रहा है कि हम तो फिर, अगर कोई ऐसी कोई हरकत होती है तो फिर तो हम ना तो ए को छोड़ेंगे ना जेई को छोड़ेंगे। तो ना एक्शन साहब के अभी उनके साथ बात है नहीं है, तो नहीं तो मुझे मंडे को शायद एक्शन साहब से मिलके मैं करूंगा बात, उनसे बात करूंगा। ठीक है अंकु जी। हाँ, इंसान की जिंदगी की वैल्यू क्या है। ठीक ठीक है अंकु जी, धन्यवाद। जिस हिसाब से ठीक लगे खंभे, ये बिल्कुल साइड में खंभे हैं, ये देखो, ये पहले हमने बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला इसको, एप्लीकेशन दे देकर इतना टाइम लगा था ना हमें, हमारे सिर के ऊपर तो कोई भी नहीं था उस टाइम पर, मेरे भी हस्बैंड नहीं है, तो ये तो लोहे का था उस टाइम पर, हमें बड़ी मुश्किल से बाहर निकला, इतने पैसे खर्च किए ना इसके ऊपर, कहने की बात नहीं हमने इसको ही बोले तो। लेकिन अब ये कि अब ये टेढ़ा हो गया है और ये द्वार के साथ लग रहा है, अब वो सीढ़ियाँ लगाते हैं ना, भजन पढ़ते हैं इस तरफ, तो ये टेढ़ा हो रहा है नीचे, तो इतने इन्होंने नीचे लगाया। कौन लगाता है सीढ़ी? सीढ़ी क्या, जियो वाले आते हैं, केबल आते हैं, बिजली वाले आते हैं, जो भी आते हैं लगाते तो हैं, उन्होंने तो लगाना ही है, उन्हें तो ठीक करना ही है, लेकिन यह पेड़ा हो गया है, उसी वजह से हुआ ये। कुदरती जड़ी बूटियों से बने अनमोल उपहार, आयु लाइन के उत्पादों को रखें हमेशा याद।